अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगा हूँ रशियन सैलेड। तो उसके लिए मैंने 1 बाउल बनाना लिया है, पोमग्रेनेट तोड़ ली है, ग्रेप्स लिए हैं, एप्पल लिया है, कंडेंस मिल्क, बॉइल्ड पोटैटोस, फ्रूट कॉकटेल, क्रीम एंड मायोनीज। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप इसमें पीस भी डाल सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का अपना फेवरेट फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 1 बाउल के अंदर पोमग्रेनेट डाली है। तो अब मैं इसके अंदर ये बनाना डाल रहा हूं। और अब मैं इसके अंदर ये एप्पल ऐड कर देता हूं। तो पहले मैं इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेता हूं। तो ये अब मैंने बनाना एप्पल और पोमग्रेनेट मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ग्रेप्स डालता हूं, बॉइल्ड पोटैटोस और कॉर्न। और अब मैं इन सारे बर्तनों को 1 साइड पे डाल देता हूं। और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेता हूं। तो ये देखे मेरा जो मैंने सारे फ्रूट्स और पोटैटोज बॉइल्ड और टॉन डाली है, वो सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। कंडेंस मिल्क मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। तो ये देखे जो मैंने फ्रूट्स डाले थे और टॉन डाली है, वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर देता हूँ। और ये मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर ली है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ। तो इसको हम 2 मिनट्स तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखे ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है अंदर क्रीम। और अब मैं मायोनीज डाल लेता हूँ। तो ये मैंने मायोनीज डाल ली है और अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। और अब मैं
इसके अंदर फ्रूट टॉर्टेड डाल लेता हूँ। तो ये मैंने अभी डाल लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा रशियन सैलेड अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब मैं इसको वन बाउल में डाल लेता हूँ। रेडी हो गया है और ये खाने में बहुत ही मजे का है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप दिल से दहमत तो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।